साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें साथियों पूरी की पूरी कार ख़त्म हो गई है और साथियों लाशों ही लाशों का ढेर लग गया है। साथियों आज की सबसे बेहद दर्दनाक खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, तो पूरी जानकारी देंगे। निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बांदा में शुक्रवार तेज़ रफ्तार इनोवा और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक में 2 बच्चे हैं, दोनों सगे भाई हैं। टक्कर इतनी थी कि ऑटो के कई टुकड़ों में बट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसा गिरवा बस स्टैंड के पास हुआ है। इनोवा का ड्राइवर नशे में था, वो तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ ऑटो में 11 सवारियां बैठी थी, उसमें नाबालिग चालक चला रहा था। बता दें कि दोस्तों SP अभिनंदन ने बताया कि इनोवा ड्राइवर नशे में था, उसको पकड़ लिया गया है। ऑटो नरेनी की तरफ से जा रहा है जबकि इनोवा बांदा शहर की तरफ जा रही थी। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद ऑटो सवार बुरी तरह फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे करके लोगों को बाहर निकाला। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को भर्ती करा दिया गया है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। हादसे में ऑटो सवार 90 साल के हाजी यासीन मुस्तफ़ा निवासी शेख पुराना, 28 साल के ओम प्रकाश निवासी और बता दें कि 7 साल के छोटे द्विवेदी निवासी, 15 साल के मोहित द्विवेदी, 40 साल के शमशेर उर्फ गुड्डू बता दें कि ये मौजूद थे। जी हां साथ ही आपको बता दें कि अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसा।